हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू वर्ल्ड। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जल विभाग भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों बिना एग्जाम के आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, जस्ट आपको अप्लाई करना है। काफी सारी जॉब्स यहां पर निकल कर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको सैलरी भी काफी अच्छी यहां पर देखने को मिल रही है, अलग अलग मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों फुल डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। वहीं दोस्तों इसके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है, उसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है और आवेदन जो है 2 फरवरी 2023 तक चलेंगे। तो 2 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है, तो अप्लाई करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो आप सभी के लिए बंपर भर्तियां आ चुकी है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप जो है सरकारी नौकरी की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप 10वीं भी है, ग्रेजुएट पास है तो। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्तियों की अपडेट यहां पर सबसे पहले दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों ये जो भर्ती निकाली जा रही है वेबकोस लिमिटेड की तरफ से है, जो कि जल शक्ति डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यहां पर जो पोस्ट है आप देखते हैं कितने प्रकार की वैकेंसी है, मल्टीपल जॉब है। नंबर वन जो वैकेंसी है टीम लीडर एक्सपर्ट की है और सेकंड नंबर की जो पोस्ट है वो है क्वांटिटी सर्वेयर की वैकेंसी है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की वैकेंसी भी यहां पर रिलीज की गई है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। वहीं साइट इंजीनियर की वैकेंसी है और भी अदर वैकेंसी है जो आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 161 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो केवल आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा इस वैकेंसी के लिए। और आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी कोने में रहते हैं तो गाइस आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। वही दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है वो केवल इंटरव्यू के बेसिस पे है, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होगा, सीधी भर्ती है। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 18,000 कम से कम आपको सैलरी मिलेगी और 56,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल रही है। ये जो सैलरी है आपकी बेसिक पे स्केल है, इसके अलावा आपको ग्रेड पे अलग से मिलेगा, काफी सारे अलाउंसेस भी आपको यहां पर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट जो है यहां पर आप देख सकते हैं कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 55 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या बीबीटेक में अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री होल्डर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, जो कि शुरू हो चुके हैं 21 जनवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। वहीं 2 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है, तो 2 फरवरी से पहले अप्लाई कीजिएगा। यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी जॉब्स है, काफी सारी मल्टीपल जॉब्स यहां पर निकाली गई है क्योंकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। आप नीचे आकर के चेकआउट कर सकते हैं, यहां पर साफ साफ बताया गया है सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। ठीक है, वही दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है। आप चाहे तो आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप जो सीवी है आपका, वो आप इस ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों आप चाहे तो यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है, एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको कहां से डाउनलोड करना है और कैसे आपको मेल करना है वो पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है,
दोस्तों अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो 2 फरवरी से पहले आप जो है आपका सीवी यहाँ पर जो है मेल कर सकते हैं। सिंपल सोबर तरीके से यहाँ पर बताया गया है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको स्कैन करना है और उन्हें आपको जो है इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना है। साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी भरना है, डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से और यहाँ पर मेल कर देना है। सिंपल इस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की नई वैकेंसी की अपडेट। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।